कॉलेज का नाम। सिर्फ काजल। मायसेल्फ जोगी सिंह। वी आर फ्रॉम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम सीएमपी डिग्री कॉलेज। सो इन द केस ऑफ इन सो इन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आर अपॉइंटेड द प्रोग्राम दैट कॉल्ड इंस्टीट्यूट इनोवेशन सेल। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ एक्सरे अब्जॉर्प्शन सील। एक्चुअली दिस इज वन माय वेरी ओल्ड आइडियाज बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर सो आई एम एक्सप्रेसिंग देयर। तो इन माई प्रोजेक्ट एक्चुअली आई हैव मेक अ शील्ड like in a daily life we always go for the x-ray having a bone crack but exposing to the x-ray it may lead to the cancer. In ancient time people don't have a lot of cancer but as the technology is improving or expanding we have a cases of cancer day by day. According to the recent research of research in 2022 1.46 million people have a cancer but by the case of 2025 it was increased to 1.52 million. We can assume that the daily cancer is increasing as we know that prevention is better than the cure. So there is our prototype. So as we know that X-ray is very important for our day-to-day life, so we can't avoid its uses. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एक्सरे है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू हम बहुत सीरियस डिजीज से भी ग्रसित हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो सेल है वो नॉर्मल सेल है लेकिन अगर उस पर एक्सरे का रे पड़ेगा तो वो जो हमारा नॉर्मल सेल है वो या तो बिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है या तो मैलिग्नेंट। बिनाइन और मैलिग्नेंट में ये डिफरेंस होता है कि बिनाइन सेल ना उसमें थोड़ा बहुत क्वालिटी होता है कि वो बाद में जाके ट्यूमर हो और जो बिनाइन को हम लोग इनिशिएट कर देते हैं तो वो तुरंत ही मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें ट्यूमर हो जाता है। तो क्या कहा जाता है कि जो एक्सरे है उसके बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट इन द कंपेयर कि हम मेमोग्राम में यूज़ होते हैं। मेमोग्राम में ऐसा होता है कि हम लोग अगर मेमोरी ग्लैंड में कोई ऐसे लम्स है तो वो पहले ही फाइंड आउट कर देगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर मॉल वगैरह में भी एंट्री करते हैं तो वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी हम एक्सरे यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमारे बोन्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते, इंटरनल क्रैक्स और इंटरनल स्वेलिंग एंड मेनी मेनी मोर थिंग्स, तो उसके लिए हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं। और लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ही मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो हमें डेंजर में डाल सकते हैं। जब हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर हम इसका यूज़ करके क्या करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने एक्सरे प्रोटोटाइप बनाया है जिसमें दो तीन सील लगाया है हम लोगों ने। इसमें क्लॉथ्स के सील भी लगे हुए हैं, बिस्मथ और टंगस्टन के सील भी लगे हुए हैं, कार्बन लेयर भी लगे हुए हैं। At the present time, for absorbing the X-ray radiations or gamma radiations, as you know that other constant chemistry ki jo aapka X-ray hota hai, lead can absorb the X-ray rays. But lead has a many more side effects. It can cause several diseases like if we are going for a someday, एक person एक दिन के लिए जा रहा है, तो it's okay. The person is working in that environment, so we can think about that how much toxicity he is involving. So कितना toxic environment में रह रहा है. Most of the people are using in nuclear power plant. It will be very toxic for them to go there and stay there for a longer time. Their duration for their job is actually very long time. For 8 and 9 hours, especially they are working there. So all over the scientists of the world are preparing for the alternative material for the lead. So on our research side, we are researching from different sites and all. So we have made and kind of a prototype for the absorption. So our prototype include it's a shield. Actually, it is a kind of thick shield. Like we have wearing a cloth, it's that kind of a cloth. It has a four layers. So first one is that for a non-reactive. मतलब कि if we कभी आप cover something. लाइक वी हैव अ लैपटॉप तो भी हम उसको कवर करते ताकि टूटे ना, लाइक वी हैव बाय आईफोन तो हमें कवर ना टूटे ना खराब ना, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले एक नॉन रिएक्टिव मटीरियल लगाया है। फिर सेकंड केस में हम लोगों ने टंगस्टन या बायोमिस की सीड फिलर लगाया जिसकी थिकनेस 0.4 mm। रीजन फॉर टेकिंग 0.4 mm इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च आई हैव फाउंड दैट कि 0.5 mm ऑफ द लेड से ज़्यादा हमारा 0.4 mm ऑफ द टंगस्टन इज इफेक्टिव। That's like 36% more time is effective and the cost is also low than the lead. Actually, we know that titanium is very costly. Tungsten is very costly, but at compared to the lead, the amount of lead used is actually more costlier than the titanium. Actually, the amount of titanium used is this only this quantity of titanium we use for making the cells. Yes. So and third one is of the ethylene octane copolymer. It's kind of a polymer. It's a thick cloth. We have used it because like if our gamma ray, our X-ray pass through this line, if some quantity of this penetrated, so our copolymer will be absorbed. And last, if for covering is carbon so that other material do not react, tungsten itself is not a non-reactive.
wash it. So we have covered it from the carbon. If we are making it a shield, so we will use a carbon plate. But if we are using for the apron and all, so we will use a carbon fiber for that. That's our prototype, and thank you for listening. Actually, this silk is very flexible. We can make an apron from this silk, or a coat, or a silk from this. Actually, this is a fiber base. This silk is fiber base. It's just like a cotton cloth or cotton thal, which we used to do this. As at the same time, it is not that a hard surface. It is not hard. It is just like a fiber. At the present time, there are two types of absorbing. One first thing that we use in a walls, and second one radiologists use in an apron. But the difference is that apron is a less absorbing. वो बहुत कम absorb करता है. It has also हमें अंदर इस वाले से भी आ रहा है. तो protecting for that, तो that is our model, and it is first of all it is two times less costlier from that original method, and we are still working on that. And second is that the tungsten is less reactive. And for making it as in a liant sensor, because in my opinion and my observation, I find that if we are preparing something in a layered wise, it is more effective. If making a composite, it is less effective. So that wise, we compose in a layered wise section. Thank you for listening. Thank you.